हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आजकल सीताफल सीजन में है और कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही फल खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो इसी सीताफल को लेकर मैं आज आप लोग के लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, सीताफल रबड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सीताफल रबड़ी। मैंने यहाँ पर दो पके हुए सीताफल लिए हैं। इस सीताफल रबड़ी के लिए हमें सीताफल का पल्प चाहिए। इसके लिए मैं इसके सारे पल्प को एक मिक्सर के जार में डाल रही हूँ और सिर्फ एक या दो पल्स देकर मैं इसका प्योरे बना रही हूँ। इसकी प्यूरी रेडी हो गई है और इस प्यूरी को हमें छन्नी की हेल्प से छानना है। मेरे पास छोटी छन्नी है, इसलिए मुझे दो से तीन बार करना पड़ा। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है, आप उसका यूज करिए। और इस तरीके से हमें इसका बीज अलग कर देना है। जो भी पल्प इकट्ठा हो रहा है, हमें उसको ही यूज करना है। हमारी सीताफल प्यूरी रेडी है। अब हमें हाफ लीटर दूध लेना है और इसे गर्म करने के लिए रख देना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और दो से तीन टेबलस्पून चीनी। हमें बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालना है क्योंकि सीताफल खुद ही बहुत मीठा होता है। ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर मैंने डाले हैं कटे हुए बादाम। इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी सीताफल की प्यूरी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें इसे ठंडा करना है। अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो इस दिवाली पर आप भी बनाइए सीताफल की रबड़ी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, bye-bye.